हेलो क्लास सेकंड डे, नाउ योर इंग्लिश सेकंड पीरियड स्टार्ट, सो ओपन योर इंग्लिश सेकंड कॉपी। ओके, हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था द सेंटेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस चैप्टर नंबर सेकंड। ओके ओके क्लास सेकंड डे, चैप्टर सेकंड है आप लोगों का पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके बेटा, देखिए सेंटेंस एक बार हम लोग पहले सेंटेंस की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का समूह है जिससे मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनता है, ठीक है, जिससे मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनता है, ठीक। अब सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक। तो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है और आपका जो आप एग्जांपल जानते हो, हम उसी से जो आपको डेफिनेशन में लिखाया था उसी एग्जांपल को लेते हैं। क्या है? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इन अ सेंटेंस द पर्सन प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सेंटेंस में जब हम पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन यानी किसी व्यक्ति, प्लेस यानी किसी जगह, थिंग यानी किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। इन अ सेंटेंस द पर्सन प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग ये डेफिनेशन। इन अ सेंटेंस द पर्सन चीज के बारे में वी स्पीक अबाउट अगर बात करते हैं हम लोग तो इस कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस में अगर किसी व्यक्ति, किसी जगह और किसी चीज के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम रेस कर देते हैं। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है प्रेडिकेट, ठीक। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इट सेट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सेट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड
का प्रेडिकेट, ठीक है। व्हाट इज सेट का सब्जेक्ट, जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे पर्सन प्लेस और थिंग, इसके बारे में क्या बात हो रही होती है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। व्हाट इज सेट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, वो हमारा होता है प्रेडिकेट। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट हमारा वो होता है इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जब किसी पर्सन की, किसी प्लेस की, किसी थिंग की बात होती है, वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कहलाता है। किसी वाक्य में जब पर्सन की, प्लेस की और थिंग की बात होती है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। और क्या बोल रहा है वो सब, वो पर्सन, वो प्लेस, वो थिंग क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, जो वो क्या बात कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक। अब हमको पता है यहाँ पर बोलेंगे पर्सन प्लेस और थिंग, जब पर्सन प्लेस और थिंग की बात होती है तो वो सब्जेक्ट होता है। अब ये किसी पर्सन की, किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या बोला है, बर्ड, बर्ड हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ये कर रही है ये चीज, ठीक है, जो करता है, ठीक है, जो करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बर्ड है, क्या है, बर्ड, ठीक है, बर्ड हमारी सब्जेक्ट है, ठीक। अब बर्ड क्या कर रही है, ठीक है, अब बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ रही है, बर्ड क्या कर रही है, आसमान में उड़ रही है, तो वो क्या होगा हमारा प्रेडिकेट, क्या होगा, प्रेडिकेट। ओके, ये हमारा होगा प्रेडिकेट। एक बार फिर से देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो करता है, जो काम को कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो काम किया जाता है उस कर्ता के द्वारा वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, उड़ कौन रहा है, बर्ड, बर्ड उड़, बर्ड, बर्ड उड़ रही है ना, तो वो क्या होगी, सब्जेक्ट, क्या होगी, सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रही है, वो आसमान में उड़ रही है, तो वो क्या होगी, प्रेडिकेट। ओके, वो क्या होगी, प्रेडिकेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कैट मियाउस, अब देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड है, कैट मियाउस। अब जो बिल्ली है, बिल्ली है, ठीक, अब ये कैट है, ये कैट है, तो ये क्या होगी, ये सब्जेक्ट होगी, ये काम कर रही है ना, ये काम कर रही है, ये क्या होगी, ये सब्जेक्ट होगी। अब ये म्याऊ, म्याऊ क्या होगी, अब वो आवाज निकाल रही है, तो ये क्या होगी, प्रेडिकेट, वो काम कर रही है ना, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेट। ओके, ये क्या होगा, प्रेडिकेट, कैट म्याऊ, कैट क्या कर रही है, म्याऊ म्याऊ कर रही है, तो ये जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, और जो किया जा रहा है उसके द्वारा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, ठीक है। एक बार फिर से इस डिफिनेशन को देख लो, सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सेंटेंस में, वाक्य में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज के बारे में बात होती है तो वो होता है सेंटेंस, ठीक। अब उसके द्वारा जो काम किया जाता है, मतलब उस पर्सन के द्वारा, उस एंड वो पर्सन के द्वारा, उस प्लेस के द्वारा, उस थिंग के द्वारा जो काम किया जाता है वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है, वो होता है प्रेडिकेट, ठीक। अब जैसे कि इसमें आप लोगों ने देखा ही है, अब आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे आप पूछिएगा, ठीक है। बट्स कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिएगा, और आपका होमवर्क यही है, आप लोगों को फेयर कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू।